अरे वाह मेंढू, आज तो बड़ी कसरत हो रही है। हाँ, हाँ भाभी, बाबूजी कहते हाँ बदलते मौसम से लड़ने के लिए शरीर स्वस्थ और दिमाग चुस्त होना चाहिए, इसलिए हम शरीर स्वस्थ कर रहे हैं। ओह, वैसे दिमाग के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाभी, जो चीज है ही नहीं उसके बारे में ख्याल क्या करना। बात तो आपकी सही है, पर क्या मेंढू, मतलब तुम्हारा भी कभी मन करता होगा कि तुम्हारे पास भी दिमाग हो जैसे बाकी सबके पास है? बाबूजी कहते हैं दूसरों की चीज देख के लालच नहीं करनी चाहिए, यही हमारे चिड़िया घर के संस्कार है। भाभी आप जाइए और हमें कसरत करने दीजिए। अबे वाह मेंढे प्रसाद, कसरत हो गई? जी बाबू जी। शाबाश, अब एक काम कर, फटाफट मेरी पीठ पे जरा सा तेल मल दे फिर मैं नहा लूं। जी बाबू जी। जल्दी कर बेटा, आजकल पानी जल्दी चला जाता है। अबे कितना तेल डालेगा? अबे मरे मरे हाथों से क्यों कर रहा है? जान नहीं है? जोर से कर। आप फिकर ना करें, अब आप देखिए हमारे कसरती शरीर की ताकत। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अबे क्या हुआ, कहाँ गया? हम यहाँ आए बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अच्छा सब ठीक है गोमू कहेंगे, लेकिन ये मेंढक की गाड़ी पानी में गिर गई है। कोई नई बात नहीं है भैया, स्टॉप। बेटा बेटा तू ये पानी की हौद में कैसे पहुंच गया? बाबूजी वो तो हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम तो आपकी मालिश कर रहे थे। हरिओम। अबे अब मेंढक की तरह अंदर ही खड़ा रहेगा या बाहर भी निकलेगा? पानी, चल। ओफो, सारा पानी गंदा कर दिया मेंढक के बच्चे। मयूरी ने आज सुबह ही हौद साफ करके साफ पानी भरा था, फिर गंदा हो गया। बाबूजी देखिए ना। भाभी आप फिकर ना करें, पानी गंदा हो गया है ना, हम अभी इसे साफ कर देते हैं धो धो के। भाभी थोड़ी देर बाद ना इस पानी को दूसरे साफ पानी से धो देना तो ये पानी साफ हो जाएगा। आप लोग हमें शाबाशी भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया क्या? बेटा तुझे इस पानी की कीमत मालूम है ना?
सोच मत, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्योंकि तू मेंढक है, मेंढक। बेटा बस इतना समझ ले कि इतना पानी बर्बाद करके तूने पता नहीं कितने प्यासों के मुंह से पानी छीना है। तेरी सजा यह है कि आज से 3 दिन तक तुझे इस घर में नहाने का पानी नहीं मिलेगा। जा। जब मांग के पानी लाएगा ना, तब तुझे पानी की कीमत पता चलेगी। अबे जा, अब खड़ा क्या है? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तू यहां से दफा हो जा। बाबूजी, जाने दीजिए बाबूजी। ये तो मेंढक प्रसाद है, बच्चा है, इसकी हरकतों से आप क्यों परेशान होते हैं? क्वेश्चन मार्क। बेटा बात सिर्फ इस मेंढक प्रसाद की नहीं है, हमारे देश में पता नहीं ऐसे कितने मेंढक प्रसाद हैं, हजारों लाखों, जो रोज इतना ही पानी बर्बाद करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि कल को जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा। बात तो आपकी सही है बाबूजी, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा था, हावड़ा की तरह बारिश के लेट होने से यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि यही हालत अगर कुछ दिन और चलती रही तो क्या होगा। हरी हो, हरी हो। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की भारी मार पड़ी है, बारिश ना होने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, नदियां सूख गई हैं और झीलों का स्तर भी गिरता जा रहा है, कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ सकता है, जिसका सीधा असर पड़ेगा आम इंसान पर। वहीं दूसरी ओर खाने पीने की चीजें अभी से महंगी हो गई हैं। सूखे से निपटने के लिए सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। हरी हो, हरी हो। बाबूजी सूखे ने तो इस बार वाकई रुला दिया। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है गुमुख, पिछले साल भी यही हुआ था। बाबूजी रोटी? नहीं बेटा, बस अब भूख नहीं है। क्यों? बाबूजी आप खाना तो ठीक से खा लीजिए। डॉट 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 डॉट। बेटा भगवान का शुक्र है कि हमें इतना तो मिल रहा है, वरना कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नसीब नहीं। पापा आप सो रहे हो? नहीं बेटा। एक सवाल पूछूं? पूछो। बारिश कैसे होती है? बेटा बरसात होती है बादलों से। डॉट 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 डॉट। बादल कहाँ से आते हैं? बादल आते हैं भाप से, फुल स्टॉप। और भाप कहाँ से आती है? जो खाना तुम खाती हो, जो दूध तुम पीती हो, उसे बनाने के लिए जब गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। समझ गई? अब सो जाओ। मयूरी फुल स्टॉप। बच्चों को डांटते नहीं है, उनके सवालों का जवाब देते हैं। डॉट 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 डॉट। अरे उसको पता तो चले बारिश कैसे होती है, क्वेश्चन मार्क। बताएंगे नहीं तो जानेगी नहीं, जानेगी नहीं तो बारिश कैसे होगी, क्वेश्चन मार्क। तो आधी रात को 12 बजे बारिश करवाओगे? सुबह सुबह नहीं करा सकते हो? पर मयूरी बच्चे ने अभी पूछा है, वो अभी जानना चाहता है, फुल स्टॉप। कौन जानना चाहता है? गज। ओ, ये तो सो गई। गज उठ बेटा, सुन बारिश कैसे होती है। डॉट 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 डॉट। अब अगर तुमने आधी रात को बरसात कराई तो बारिश आए ना आए, तूफान जरूर आएगा। सॉरी सॉरी मयूरी। सो जाओ। हाँ
बाबूजी एक बात पूछे। पूछ ले बेटा, एक ही बात पूछना। बारिश इंद्र भगवान कराते हैं क्या? ग्रंथों में तो यही लिखा है। बाबूजी क्या इंद्र भगवान के पास बहुत सारा पानी है? होगा। बाबूजी एक और पूछे, क्या उनके पास बहुत बड़ी पानी की टंकी है? होगी बेटा। हमारी टंकी से भी बड़ी? मैंने देखी नहीं है। इंद्र भगवान की हमसे लड़ाई है क्या? नहीं बेटा, इंद्र भगवान की हमसे काहे की लड़ाई? तो बाबूजी वो हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं बरसा रहे? ये सब मौसमों के बदलने से हो रहा है बेटा। मौसम बदल रहे हैं, पेड़ घट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है बेटा। बाबूजी ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हरिओम बेटा, ये एक तरह की वार्निंग है कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना। वरना क्या बाबूजी? वरना निकल लोगे। बाबूजी आपका पैर दबाते दबाते हमारा हाथ दर्द कर रहा है। हरिओम, रहने दे बेटा, रहने दे, तू रह। नहीं बाबूजी, याला हाथ दर्द कर रहा है, हम याले हाथ से दबा देते। ला, जो हाथ दर्द कर रहा है मुझे दे, मैं दबा देता हूँ। ठीक है बाबूजी, ये लो। ये मौसम भी अजीब है, खुद बदलता है पर हालात नहीं बदलते। ज्यादा बारिश हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत, पर हर हाल में पिस्ता आदमी ही है। हरिओम। हालात और मौसम कितने भी बदल जाएं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अरे पानी नहीं आ रहा भाई आज। क्या पानी आएगा भी नहीं? हाँ? आज से म्युनिसिपैलिटी ने कटौती लागू कर दी है, रोज सुबह सिर्फ एक घंटे के लिए पानी आएगा, जिसको जो करना कर लो। क्या क्या बात है, सिर्फ एक घंटे आएगा पानी? हाँ। इसका मतलब आज मैं नहा भी ना जाऊंगा? भैया आप तो स्टेशन पर भी नहा सकते हो। डॉट 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 डॉट, मेरा सोचो, मेरा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हे भगवान, ये तो टंकी भी सूख गई। हाँ। अच्छा हुआ मयूरी ने तो सुबह सुबह ही नहा लिया था। मैंने भी आज सुबह ही नहा लिया। और मैंने भी। अरे भाभी आज तो नहा लिया, कल क्या करोगे? कल भी पानी नहीं आएगा। हटो 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 हटो। ए तिस तिस, जा कपड़े धोने का साबुन लेके आ जल्दी से। अरे बुआ जी, बिल्लू ये क्या है? अरे भैया पता है हमारे यहाँ दो दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैंने सोचा यहीं पे नहा लूंगी और कपड़े भी धो लूंगी, ठीक किया ना भैया? बिल्लू आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो हमारे यहाँ भी पानी नहीं है। नहीं क्या? हाँ। यहाँ पे भी पानी नहीं आया क्या भैया? मैं कैसे नहाऊंगी, धोऊंगी कैसे? अरे मैं कैसे नहाऊंगा बुआ जी, ये सोचिए। डॉट 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 डॉट, ये देखो पानी पानी। मेढक तू ये पानी कहाँ से लाया? क्वेश्चन मार्क। चोपड़ा साहब के यहाँ से। हो अच्छा, लेकिन तू इसका क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। हम नहाएंगे भैया, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना भी चाहिए। अरे मेरे पसंद, तू नहा कर क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। तू तो घर पे रहता है। टॉट 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 टॉट, ये पानी मुझे दे दे, देख मुझे नहा के स्कूल जाना है। टॉट 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 टॉट, रख नीचे रख, नीचे रख। मैडम ये पानी मुझे चाहिए। अरे बुआ इतने दूर से आए ना, पानी मुझे चाहिए। बुआ जी मुझे नहाना है, स्कूल के लिए देर हो रही है। डॉ नहीं नहीं, मुझे पानी चाहिए। नहीं बुआ जी, हम पानी किसी को नहीं देंगे। अगर हम पानी दे देंगे तो हम क्या करेंगे? मेढक प्रसाद ये पानी मुझे दे दे। हा? भैया आप कुछ बोलो ना। डॉट 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 डॉट। मेंढक
पानी गोमू को दे दे। ला, दे। अरे तुम तीनों बहुएं क्या कर रही हो? बोलो उनको बुआ को पानी दे। हाँ। अरे हाँ, भैया बोलो ना। मेंढक बुआ जी को दे दे बेटा। हाँ। सुन मेंढक, बुआ जी बड़ी है ना, चल पानी उनको दे। मयूरी को लगता है इस पानी से मेंढक को नहा लेना चाहिए। हाँ मयूरी, क्योंकि दो बिल्लियों की लड़ाई में जीत हमेशा बंदर की ही होती है। ए, मयूरी मैं बिल्ली नहीं हूँ। डॉट डॉट डॉट। हाँ कप्पी भैया। ए मेंढक, ए ए ए पानी दे मेंढक। हम अब और नहीं भाग सकते, अब इस पानी का क्या करें? बाबूजी आप ही बताइए। अपने सर में डाल ले। ए, हाय हाय। ये क्या किया? हमने तो नहा लिया, मजा आ गया। मैं कैसे नहाऊंगा? नो नो नो। अब मैं क्या करूंगी? सोचो बिल्लो क्या करोगी अब? और तुम अकेली नहीं हो, पूरे देश का यही हाल है। चारों तरफ सूखा ही सूखा है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, नदियां सूख चुकी हैं, झीलों में पानी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, यहां तक कि कई जगह तो पीने तक का पानी नहीं है। बिल्लो पीने तक का पानी, और इस सब की वजह बरसात का ना होना है। तुम कहा करती थी ना कि बरसात ने सत्यानाश कर दिया, तुम सही कहती थी, बरसात ने ना होकर सत्यानाश कर दिया। बिल्लो देख लिया बरसात ना होने का नतीजा? अरे बरसात हो तो कम से कम आदमी बच तो सकता है, बरसात ना होने से कैसे बचेगी? बिल्लो तुमने मन्नत मांगी थी ना कि बारिश ना हो, तेरी मन्नत पूरी कर दी भगवान ने, अब सोच क्या करेगी? सॉरी भैया, हम भूल गए थे कि पूरा देश, देश क्या पूरी दुनिया पानी पर निर्भर है। मैंने बरसात ना होने के लिए मन्नत मांगी थी, मुझसे गलती होगी, मैं सुधारना चाहती हूँ। आज हम कसम खाते भैया, जब तक बारिश नहीं होगी ना, हम अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। ये क्या बचपना है? नहीं भैया, ये बचपना नहीं है, मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। देखो मेरी वजह से बारिश नहीं हुई ना, अब देखना जब तक बारिश नहीं होगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं बाबूजी, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। क्या बना? आलू पूरी। आलू पूरी मुझे भी देना थोड़ा सा। देखो ना सुबह से कुछ खाया नहीं, पानी नहीं था ना घर में, कुछ पकाया नहीं मैंने। लेकिन बुआ जी आज से तो आपका उपवास है, अभी तो आपने कहा था। हाँ तो कल से रख लूंगी। ठीक है आज से रखना होगा, कोई बात नहीं रख लूंगी, आज से ही रखूंगी। जब तक पानी नहीं बरसेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी खाना मैं। हरिओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।